बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अंतर्गत टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर तोड़ी पड़ायुं हतुं, जो कि हजु सुधी तेनी शरूआत न थता अनेक सवालो उभा थया छे। वडोदरा ऐतिहासिक वारसो धरावतुं शहर तथा संस्कारी नगरी तरीके ओळखाय छे। शहेरमां घणी प्राचीन इमारतो, ऐतिहासिक स्थळो, बगीचाओ पोतानुं आगवुं महत्व धरावे छे। मुलाकातीओ तथा देश विदेशना पर्यटकों प्रवासीओने महत्वना वारसो तथा पर्यटन स्थळनी माहिती एक ज स्थळेथी सरळताथी रीते मळी शके ते आशयथी वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा रेलवे स्टेशन खाते 1.11 करोड़ खर्चे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बनावामां आव्युं हतुं। जो के लोकोना उपयोगमां आवे ते अगाउ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नड़तर रूप होवाथी तोड़ी पाड़ी तेनुं वड़तर कॉर्पोरेशन ने चूकववामां आव्युं हतुं। डिमोलेशनना 6 महीना वीतवा छता पण हजु सुधी नवा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पासळ कोई आयोजन हाथ धरायुं नथी। आ अंगे तंत्रनुं ध्यान दोरता हवे आगामी बजेटमां आ कामनो उमेरो करी नवा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर माटेनी विचारणा हाथ धराशे। आम वडोदरा कॉर्पोरेशन लोकोनी सुविधा माटे अनेक प्रोजेक्टो शरू करे छे, परंतु तेनी जाळवणी तथा चोक्कस आयोजनना अभावे आ प्रोजेक्ट अभिराई पर चढ़ी जता हो। समग्र मुद्दे स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेले जणाव्यु हतु कि आ अंगे वेली तके योग्य कार्यवाही करवामां आवशे। वडोदरा शहर में रेलवे स्टेशन अने बस स्टेन्डनी नजीक में आवेलू वर्षो जूनू एक टूरिस्ट सेंटर जे रिनोवेट करीने बनावामां आव्युं हतुं, एमां समयांतरे एक विकासनी गतिने जे आपणे हरणफाळ भरी रह्या छे, एनी साथे बुलेट ट्रेनना जे स्पान छे એમાં આવવાના કારણે એની શિફ્ટિંગ કર્યું છે અને એ જગ્યા બુલેટ ટ્રેનના માધ્યમથી એ જે રકમ ફાળવાય છે એ રકમના સદુપયોગ બીજા સ્થાન ઉપર કોર્પોરેશનના માધ્યમથી આવનાર સમયમાં ચોક્કસ કરવામાં આવશે। કારણ કે વડોદરા શહેરનો ઇતિહાસ, વારસો અને જે પણ ઐતિહાસિક સ્થાનો છે એને જાણવા માટે ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ આ એક અગત્યનું કામ કરતું હોય છે, એને પણ આગળ સમયમાં જાળવીશું, ચોક્કસ એ બજેટમાં પણ આવરી લઈશું, એટલે એનો કોઈ ઇસ્યુ નથી।